खूबसूरती। बल्कि मैं चाहूंगा यार, मैं पहले दिलशाद नसीम की एक गजल पढ़ूंगा, क्योंकि वो नहीं है तो मैं उसको शेयर करूंगा। मुझे बुक देना जरा। वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और आज वो लाहौर में है, तो दैट्स व्हाई मैं उनकी एक गजल सर आपकी इजाजत से, क्योंकि उसकी भी शमूलियत हो जाए। ओवरऑल उनकी किताब सारी आप लोगों की अच्छी हैं, लेकिन हम लोग नालायक हैं, शायद समझ नहीं सकते। आग को पानियों से खतरा है, गजल है जी के, आग को पानियों से खतरा है, तेरी ताबानियों से खतरा है। और जो समझते हैं अक्ल कुल खुद, जो समझते हैं अक्ल कुल खुद को, उनको नादानियों से खतरा है। और कुछ भी कहती नहीं है ये बारिश, कुछ भी कहती नहीं है ये बारिश, मुझको तो गुयानियों से खतरा है। और मिल ही जाता है मुश्किलों का हल, दिल को आसानियों से खतरा है। मिल ही जाता है मुश्किलों का हल, दिल को आसानियों से खतरा है। और गर्जो मुनसिफ ने बांध ली पट्टी, गर्जो मुनसिफ ने बांध ली पट्टी, हुक्म की रानियों से खतरा है, हुक्म की रानियों से खतरा है। और मुझको खतरा नहीं है आंखों से, तो मुझे बड़ा पसंद है शेर, मुझको खतरा नहीं है आंखों से, आंख के पानियों से खतरा है। मुझको खतरा नहीं है आंखों से, मुझको खतरा नहीं है आंखों से, और तेरी आंखें बहुत वो हैं, डेप्थ है उनमें, और आंख को पानियों से खतरा है। और आखिरी शेर है कि तुझको रुखसत किया तो घर न गई, तुझको रुखसत किया तो घर न गई, घर की वीरानियों से खतरा है, घर की वीरानियों से खतरा है, आग को पानियों से खतरा है, तेरी ताबानियों से खतरा है। बहुत शुक्रिया जी।